शोभा, आज तुम आधा घंटे देरी से आई थी। तुम्हारे 10 घंटे की दिहाड़ी है 100 रुपए और तुम आधा घंटा लेट आई थी, इसलिए तुम्हारी दिहाड़ी हुई 95 रुपए। मैं हिसाब किताब में एकदम पक्का हूँ। कल से समय पर आ जाना, समझी? जी मालिक। सेठ बनवारी लाल दूसरों के साथ ही नहीं बल्कि अपने खुद के परिवार के साथ भी बहुत कंजूस था। इस बार मैंने 2 बोरी चावल के बुलाए हैं, आप किराने वाले को पैसे दे देना। अरे अरे, 2 बोरी चावल? अरे इतने सारे चावलों का हम क्या करेंगे, हमें कहाँ इतने की जरूरत है। अरे इस महीने मेरे दोनों भाई आने वाले हैं, अब वो जवान हैं, क्या खाना भी नहीं खाएंगे क्या अच्छे से? सत्यानाश, अरे मैं हूँ कि मर मर के पैसे जमा कर रहा हूँ और तुम उसे अपने मायके वालों पर लुटा रही हो। क्या जरूरत है तुम्हारे दोनों भाइयों को यहाँ आने की? अरे उनके कॉलेज की छुट्टी लगी है, कई सालों से वो मुझसे मिले भी तो नहीं है ना, तो मैंने ही कहा कि तुम दोनों यहाँ आ जाओ। अरे बददिमाग औरत, तू खुद चली जाती ना अपने मायके कुछ दिनों के लिए, उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे तू सोच, अगर तू मायके जाएगी तो भाइयों के साथ अपने माँ बाप बहनों सबसे मिल पाएगी। हाँ सही बोल रहे हो, वैसे भी मैं कई सालों से अपने मायके गई ही नहीं। अरे तो सोच क्या रही है, तू तैयारी कर और जल्दी जा, मैं कल ही तेरी टिकट करवाता हूँ, ठीक है? इस तरह बनवारी लाल ने 1 बोरी अनाज बचा लिया और इस बात से वो बहुत खुश भी था। लेकिन उसे ये कहाँ पता था कि उसकी पत्नी का मायके जाना उसे और भी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। शाम को सीमा बाजार से बहुत सारी शॉपिंग करके लौटी। अरे बाप रे बाप, ये सब क्या है? शॉपिंग है और क्या होगी। हाँ लेकिन इतनी सारी? हाँ अब जब मायके जाऊंगी तो खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी मैं, आखिर आपकी इज्जत का भी सवाल है ना। वरना मेरे मायके वाले कहेंगे कि सीमा का पति तो बहुत कंजूस है, साथ में कुछ भेजा ही नहीं। आपको पता है मैंने फिर भी आपके बहुत पैसे बचा लिए हैं। अच्छा वो कैसे? मैंने ये सब कुछ सेल में खरीदा है, 50% ऑफ पर। हे भगवान, कोई तो इस बेवकूफ को समझाओ। तू चाहे सेल में खरीद या कैसे भी, लेकिन पैसे तो चले गए ना। हाँ वो तो है। बनवारी लाल अपनी पत्नी को डांटता रहा, पर क्या फायदा, पैसे तो चले गए। खैर अगले दिन बनवारी लाल की पत्नी अपने मायके चली गई। अब कम से कम कुछ दिनों तक तो मेरे पैसे बचे रहेंगे। कुछ दिनों तक बनवारी लाल बहुत खुश था। कुछ दिन तक तो उसके घर में राशन भी बहुत कम लगता था, बस वो रोज रोज दाल चावल बनाकर खा लेता था। इसे कहते हैं पैसे की बचत, वरना सीमा होती तो ये लाओ वो पनीर वो सब्जी वो दाल, हर दिन नया नया खर्चा ही बताती रहती। लगभग 1 महीने बाद सीमा घर लौट आई और अब बनवारी लाल के चेहरे पर घोर उदासी छा गई। अरे ये सब सामान आज लेते हुए आना है, ये लो लिस्ट। 5 किलो शक्कर, 10 किलो दाल, 2 किलो घी, 10 लीटर तेल, इतने सारे सामान की क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं है, अब 2 लोग होंगे तो इतना खाना तो लगेगा ही ना। अरे तू औरत है या डायन, इतना सारा सामान खाएगी क्या? आप चाहे जो बोल लो, लेकिन ये सारा सामान तो आपको लाना ही पड़ेगा। बनवारी लाल सीमा को समझाता रहा कि खर्चा थोड़ा कम कर दे, पर सीमा कहाँ सुनने वाली थी, वो अपने पति की कंजूसी से अच्छी तरह वाकिफ थी। फिर एक दिन सीमा की तबीयत खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मुबारक हो, आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अरे अरे मुझे कोई मेहमान नहीं चाहिए। अरे मेरा मतलब है आपकी पत्नी गर्भवती है, आपके घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है। ये सुनकर बनवारी लाल खुश हुआ, लेकिन फिर वो अपने पैसों के बारे में सोचने लगा। बच्चा आएगा मतलब खर्चे बढ़ जाएंगे, उसका खाना, उसके कपड़े, उसकी पढ़ाई का खर्च। हे भगवान,
बनवारी लाल के चेहरे पर 12 बज गए थे। ये सब देखकर उसकी पत्नी समझ गई। जरूर आप पैसे के बारे में सोच रहे होंगे, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं सोचूं? आखिर पैसे तो मेरे ही खर्चा होंगे ना। हाँ तो क्या हुआ, बच्चा भी तो आपका ही होगा ना? अरे वही तो समस्या है। अब बच्चे के पैदा होने का खर्च, उसके खाने पीने का खर्च और फिर उसकी पढ़ाई का खर्च। अरे रे, आप इतनी दूर चले गए। पहले तो जब बच्चा पैदा होगा तो सबको दावत देनी पड़ेगी, ये सब भूल गए क्या? क्या? सीमा ने बनवारी लाल को एक नई समस्या दे दी थी। उस दिन से बनवारी लाल सोच में पड़ गया कि वो कैसे दावत के पैसे बचाएगा। कम से कम 40-50 लोग तो आएंगे ही, और उन सबको भरपेट खाना खिलाना, वो भी पकवान। बाप रे बाप, मैं तो लुट जाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। इधर सीमा की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था और उधर बनवारी लाल परेशान हो रहा था। क्या करूं क्या करूं? आखिर एक दिन बनवारी लाल को एक योजना मिल ही गई और उस दिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सीमा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बनवारी लाल बहुत खुश था। अरे मेरा बेटा। अच्छा सुनो सीमा, तुम जितने चाहो उतने मेहमानों को बुला सकती हो दावत पे। अरे क्या हुआ, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? वो सब तो पता नहीं, लेकिन आज मुझे बेटा हुआ है। हाँ। इसी खुशी में सीमा ने अपने सारे परिचितों और रिश्तेदारों को न्योता दिया। वो कब से सबको दावत पर बुलाना चाहती थी, पर बनवारी लाल की कंजूसी की वजह से वो ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। दावत वाली रात को बनवारी लाल के घर पर मेहमानों की भीड़ लगी थी। बनवारी लाल ने अपने नौकर को आवाज लगाई। अरे रामू, सभी मेहमानों के सामने पकवान रख दे। रामू ने हर आदमी के सामने एक एक प्लेट रखी, जिसमें सिर्फ एक मिठाई थी। सिर्फ एक मिठाई देखकर लोग हैरान रह गए। अरे ये क्या, बस एक मिठाई? हाँ, इस कंजूस से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अरे हमको यहाँ बुलाकर हमारा अनादर तो नहीं करना चाहिए था? लोग उठकर जाने ही वाले थे कि अरे रुकिए रुकिए, ये आपका अनादर करने के लिए नहीं, बल्कि ये तो एक खेल है। आपके सामने एक मिठाई है, जब आप वो खा लेंगे तो एक और मिठाई रख दी जाएगी, फिर एक और, उसके बाद एक और ऐसे करते करते जितने चाहे उतनी मिठाई आप खा सकते हैं, और हर मिठाई खाने के लिए आपको 20 रुपए भी मिलेंगे। क्या बात कर रहे हो भैया, 20 रुपए? अरे वाह 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 वाह, 20 रुपए! लेकिन शर्त ये है कि वो मिठाई आपको बिना हाथ मोड़े और बिना प्लेट को मुंह में लगाए खाना होगा। अरे ऐसे भी कोई खा सकता है क्या? जरूर, ये कंजूस हमें कुछ खिलाना ही नहीं चाहता। हाँ सही कह रहे हो, लगता है इसका ये कोई षड्यंत्र है। खाना खाने बैठे सभी लोग बनवारी लाल की कंजूसी समझ चुके थे। इसी भीड़ में एक समझदार युवा भी था, सुरेश। सुरेश ने सरपंच को अपनी योजना बताई। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। सुरेश ने सभी गांव वालों को एक एक करके अपनी योजना बता दी। वो सारे लोग बहुत खुश थे और बनवारी लाल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये लोग चाहे कितनी भी कानाफूसी कर ले, लेकिन कोई तरीका ही नहीं है जिससे ये लोग मेरी मिठाई खा सकें। लेकिन बनवारी लाल की सारी गलतफहमी ही खत्म हो गई जब उसने ये देखा कि हर आदमी अपने बगल में बैठे हुए आदमी को अपने हाथों से मिठाई खिला रहा है। अरे ये क्या, लोग मिठाई खाए ही जा रहे थे और बनवारी लाल का नौकर मिठाई परोसे ही जा रहा था।
मैंने 10 मिठाई खा लिया। लाओ मेरे 200 रुपए निकालो। अरे मैंने तो 20 मिठाई खा लिए बनवारी भाई। ये आपका अच्छा था, लड्डू भी खा लिए पेट भर के और पैसे भी मिल गए। चलो जल्दी से मेरे पैसे निकाल दो। और हाँ, ये खेल तो मुझे बहुत पसंद आया, ऐसे खेल रोज खेला करो। पैसे ले और निकल यहाँ से, चल। बनवारी लाल को एक एक करके सबको पैसे देने पड़े और अपनी जेब खाली देखकर, ये दावत तो मुझे बहुत महंगी पड़ गई। काश मैं लोगों को अच्छे से दावत ही दे देता, कम से कम मेरा इतना खर्चा तो नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा समझाती हूँ कि इतनी कंजूसी भी मत किया कीजिए। अब बनवारी लाल अपना सर पकड़ कर बैठा था। वो करता भी तो क्या, उसके इतने सारे पैसे लुट चुके थे।